अभी हम घर से निकल चुके हैं और काफी दूर आ चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं अभी बाबा भरतरी के मंदिर। तो चलिए देखिए नहर, हम खुद ही आपको दिखा रहे हैं थोड़ा। तो कुछ इस तरीके से सिंचाई की जाती है। शानदार लोकेशन है। सभी का स्वागत है टेलर व्लॉग्स में। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं बाबा भरतरी के मंदिर। तो बिना किसी देर के हम लोग शुरुआत करते हैं, पूरा मंदिर देखते हैं और पूरी स्टोरी इसकी जानते हैं कि कौन थे बाबा भरतरी, कैसे क्या कुछ हुआ उनके साथ, सब कुछ अपन जानेंगे और पूरी मंदिर की स्टोरी भी अपन पता करेंगे। तो चलते हैं अभी अंदर। वहाँ पे मोर सो रहा है नीचे, नज़दीक में जाने से तो वो भाग जाएगा शायद। दिख रहा है कि आपको, ये देखिए, और ये इधर शिवलिंग भी है, उसके नज़दीक तो अपन जाएंगे अभी। राजा भरतरी बैरागी बने, साधु बने, जो उज्जैन नगरी को राज त्याग गए, भरतरी अट भामरा में आ गए। जा भामरा को नहीं जे ज़्यादा तो इनो गांव दूसरो नाम निम्मा नाम है। अच्छा, फिर निम्मा में तप्या नहीं, जद नून तो देगे गया कोई जाट, वो जाके बमण ने कह दिया, नाई ने कह दिया, नाई बमण जाट नहीं, तीनू भूल गया भूल गया। फिर दो तीन दिन बाद में आया कि बाबू जी भोजन पानी का, तीन चार दिन हो गया बेटा, लहरला संभालो, भोजन कराई कौन थी, जद का भूली लाग गई बाबू जी, गलती हो गया, गलती हो गया, बहनी खीर फलका दे गया, भोजन करो, वह खाया को दी, वह कह ठीक है नगरी जिमावत आ तो निमा उजड़ हो जाएगी, साधु ही कौन जिमा सकी जो को गांव की एक काम आए, नगरी तो बाई चौकी है, जो को एक साधु बैठे है भी ने जिमा हुए, सही है, तो वो जिम्मे। जब वह नाराज हो गया तो कह ब्राह्मण नाई बामू जाट नहीं हटे को निबस, शराब दे दियो और ताता खीर फल का है नहीं, ये जाड़ नीचे बूर गया है, आ जाड़ बांगे बात की है लगाई नहीं, फिर ताता ही निकला खीर फल का 12 साल। अच्छा, कोई गयो वो जाटा का गंगा जी, जे कह तू तो लागे भामु जाट है, कह निम्मा ही है बाबू जी काम, तो निम्मा कह है गे कह उजड़ होगी बात, शराब लागियो साधु हम, तो कह बे साधु बेटा यही यहाँ जो गोपी चंद भरतरी यहाँ हाजर हो रहा मैं, बट एक तुम्हारा धुनु है, बहुत चेतन करो, अरे एक बार झाड़ है बा हमारा हाथ की लगाई लिए, भी नीचे ताता खीर फल का ला देगा, जो ताता ला दिया 12 साल
फेरा 12 साल ताता निकलिया जब एक दो जन मन करिए फिर आ गई धुने में चेतन करियो फिर भामरा का नाम तो वो से भरतरी के नाम पर क्या वो भरतरी के नाम पर गांव भामरा है अच्छा। जो कोई कांकड़ में आओगे नहीं बिंगा जिया रोग दोख कष्ट ऊत भूत पलीत ओपरी पराई चू चुड़ावन डाकन सारी बड़ी बड़ी महामारी गांव में नहीं बढ़ेगी। जाओ मेरे खीर चूर में भोग लगाओ और मेरी ध्यान रखियो मेरे धुनंगी ध्यान रखियो मौज करोगा तो एक काकड़ भीतर चीज को लिया माने से तो देव नहीं भीत को ले पर अठे बस नहीं जो कर जय सियाराम करनु पड़े और वो धोक लगा के जाओ भगवान। एक छोटी सी बात और बता दो क्या भरतरी जी कौन भरतरी जी यानी उज्जैन नगरी का कुआ राजात का और उज्जैन नगरी का मध्य प्रदेश में है उज्जैन गंधर्व सेन का बेटो हो राजा भरतरी विक्रमादित्य छोटो भाई हो और उज्जैन नगरी को नाम पहले अब उज्जैन नगरी है नी बिंग कांति नदी नाम हो पहले कांता नदी तो अब उज्जैन है महाकाल को बड्डो मंदिर है उज्जैन बापा ने गोपी चंद है नी बाण जो है वो गोड़ बंगाल है गोपी चंद भरतरी ने तो ज्ञान जोग लियो है त्याग कर गए गृहस्थी त्याग कर गए उज्जैन नगरी को राज त्याग दियो भाई वीर विक्रमा दी छोटो भी ने राज दे दियो विक्रम संवत लगा दी जद हटे विक्रम संवत लागी नहीं आपने जद राजा भरतरी हटे तब तो निमा जद राजा विक्रम राजा राजा हो राजा बनो तो विक्रमा दी छोटो भाई के बाद विक्रम संवत शुरू हुई मैना होती छोटी बहन ही के बाद पिंगला रानी तो बाने त्याग करी गोरखनाथ होनी वो गुरु हो भरतरी हो चलो भरतरी बाबू अरे गोपी चंद को तो जलंधर नाथ जय श्री नाथ जी जय श्री नाथ जी। तो अपन ने पूरी की पूरी जानकारी ले ली है मंदिर के बारे में और अभी अपन पूरे मंदिर को अच्छे से देख लेते हैं। ये यहाँ के गांव के निवासी हैं और यही हमें सब कुछ अभी दिखाएंगे। मारवाड़ी समझ नहीं आती जिन लोगों को उनके लिए सॉरी, जो भी समझ आए आप लोग देख लेना। तो चलते हैं अभी। तो आप सब लोगों को बता देता हूँ कि ये भरतरी जी की गुफा है। यहाँ पे शायद वो तपस्या किया करते थे भरतरी जी, यही जगह थी जहाँ पे वो तप किया करते थे। ये देख लीजिए अभी भी यहाँ पे पूजा पाठ होते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है और यहाँ पे शिवलिंग है। तो काफ़ी बड़ा मंदिर है, 199 बीघा ज़मीन है। तो आप लोग ये दूर दूर तक देख रहे हैं ना ज़मीन पूरी की पूरी, ये 199 बीघा मंदिर के नीचे ही आती है ज़मीन। और ये दीवार सिर्फ दिखावे के लिए है क्योंकि एक बाउंड्री बन जाती है मंदिर की ताकि कोई जानवर पशु ऐसे ही अंदर ना आ जाए। और ये बच्चों के लिए बीच के अंदर ग्राउंड बन चुका है शायद रेस के लिए और खेलने के लिए। पैरों के अंदर कांटे चुभ रहे हैं लेकिन फिर भी घूम रहे हैं पीछे दिखाने के लिए आप लोगों को। ये पेड़ जो है वो बहुत ही पुराना है। भरतरी जी जब यहाँ पे तपस्या किया करते थे उनसे भी पहले का ये पेड़ है। यहाँ पे कुछ कमरे भी बनाए गए हैं, धर्मशाला जिनको बोलते हैं, मंदिर की खुद की। अगर कोई भी यहाँ पे आता है घूमने के लिए या कुछ भी रात को अगर कोई आता है किसी को रहने के लिए दिक्कत हो तो वो यहाँ पे पीछे ये रूम है 2-3 यहाँ पे रह सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। तो सब कुछ अपन ने देख लिया है, पूरा मंदिर अपन ने देख लिया, पूरी स्टोरी अपन ने जान ली है। और इसी के साथ मंदिर की पूरी स्टोरी होती है ख़त्म और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद और